हा समोर जे बघा स्टेज समोर निश्चित स्वरूपात आमचे ब्लॅक स्क्रीन आहे बघा तिथे जे प्रेक्षक बसलेले आहेत कृपया आपण सर्वांनी उठा जे आहे जे कटआउट्स आहे परेश शेठ पाटील वल्लभपाणी कृष्णा शेठ पाटील माजी सरपंच पडगे यांचे जे कटआउट्स आहे बघा त्या कटआउट समोर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत कृपया आपण लगेच तिथून बाजूला बॅक साईडला व्हायचे आहे। तो चलिए चलेंगे मुकाबले की तरफ फिर से एक बार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु एमडी सर, उनके साथ साथ देखिए का मुरबाड़ के बहुत बढ़िया देखिए एंटरटेनमेंट्स किए पूरी यहाँ पर क्राउड्स है। दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत है। योगेश वाग सर आपका निश्चित रूप से चलेंगे मुकाबले की तरफ। यहाँ से आज की रात का बात करेंगे, यहाँ पर पहला राउंड का ये आखिरी मुकाबला है। अरे चलिए बड़ी आसानी के साथ पहली गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर पहला सफलता हाथ लगता हुआ, इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में तो हर खिलाड़ी यही कहते हैं, ओ लाले या तो सब है दिल जले, ठोक दीजिए। जवानी मेरी सारा समंदर मेरे पास था, एक बूंद पानी मेरा प्यास था। तो चलिए ये आवाज महागुरु सर मुझे लगता है सुना सुना आवाज है किसी की, बाबू सा नहीं ना? हाँ, चार साल पहले भामन डुंगरी के मैदान के ऊपर बाबू मात्रे की आवाज थी निश्चित रूप से। दशरथ सर ने निश्चित रूप से इनाम रखे थे, शुक्रिया भाई। जो तारीफ भी करें तो उनके लिए शुक्रिया, जो गालियां भी दे तो उनके लिए शुक्रिया, क्योंकि जिस मुकाम तक हम पहुंचे इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और इसलिए देखिए इस टूर्नामेंट में आज दूसरी रात जुड़ता हुआ निश्चित रूप से बहुत बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है। देवी चपड़ा पालेकुर MIDC तलोजा विभाग से आज जो इस मुकाम तक पहुंचा। अरे चलिए भाई यहाँ पर लगातार दूसरा विकेट देखिए यहाँ पर से गेंदबाजी की तूफानी करते हुए मयूर राजे चलाते हुए अपना राज। जानम जाने जा तो चलिए टोटल की बात करेंगे। जीरो पर देखिए दो विकेट से तो चलिए डीजे थोड़ा सा मैच के रंग में आइए निश्चित रूप से, कोई बात नहीं। अब हमें बड़े प्यार जता रहे हो लेकिन कहते ना प्यार इतना भी ना करो कि बिगड़ जाए हम। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, जीरो पर देखिए बात करेंगे, दो विकेट्स अकाउंट अभी तक नहीं खुला है और दो सफलता हाथ लग चुकी है, क्योंकि बहुत बढ़िया देखिए MLA ट्रॉफी अहमदाबाद ट्रॉफी देखी होगी, स्मरणवीर सर जुड़ चुके हैं, आगे के मुकाबला में पूरी तरह से जुड़े रहेंगे योगेश सुहाग सर और योगेश स्मरणवीर सर। और ये चलिए और एक विकेट, विकेट की झड़ी भाई यहाँ पर। और ये देखिए भाई सेकंड हैट्रिक यहाँ पर इस टूर्नामेंट में, और आज की रात में बात करेंगे पहला हैट्रिक यहाँ पर से, क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर मयूर राजे ने देखिए शुरुआत से बता दिया भाई, उजाला मिल जाए यहाँ पर सतलो जी मस्कुट टीम को, मैं अपना घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा, घर भी चला। जो बैट्समैन आउट होतो तो असा रागाने बघतो कोणाकडे, त्या बॉलर कडे, रागान काय बघतोस रागान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान, अरे रागान काय बघतोस रागान, रागान काय बघतोस रागान। महागुरु सर देखिए बात करेंगे बप्पा मोरिया तलोजा मस्कुट के मैदान पर खेल रहे हैं इस साल। देखिए योगेश सर बात करेंगे तलोजा मस्कुट के मैदान के ऊपर बहुत सारे टूर्नामेंट देखने को मिला लाजवाब, और जिसकी आवाज देखिए तलोजा मुस्कर के सर राजेश सर आएंगे तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए तस्वीर रखिए। और ये वन जोड़ी देखिए दीपक सेठ पाटिल सब गोल्डन मैन सर उनके साथ है, संतोष पाटिल सब देखिए बात करेंगे। बिग टूर्नामेंट देखिए इस साल डे मुकाबला देखने को मिला था। चलिए भाई जोड़ी देखिए आज नहीं दिख दे रहे हैं, कल यहाँ पर कादर खान शक्ति की जोड़ी निश्चित रूप से बड़ा रंग लाया था, आज थोड़ा सा थक चुके हैं निश्चित रूप से।
तो चलिए यहां से बात करेंगे लगातार विकेट की बात करेंगे ना, तीन विकेट गिर चुका है। देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए वल्के मुसाट ने टीम का भी देखिए हालत ऐसा था, लगातार तीन विकेट गिर चुका था, लेकिन उसके बाद देखिए जो सागर संकेत के बीच में साझेदारी हुआ, संकेत का विकेट गिरा और तब तक सागर ने देखिए आखिरी समय तक मुकाबला को ले गए थे और एक अच्छी टोटल सेट किए थे 50 रनों की टारगेट से और निराश किया कुपरा टीम है। खास करके इस सीजन में देखिए बहुत बढ़िया नाइट मुकाबला, अब सिद्दीक करो लेकिन नाइट में भी देखिए खिताब जीते थे, जहां पर श्री दत्त कृपा देखिए बात करेंगे कुपरा टीम में, लेकिन आज से नाकुश किया बप्पा मुरिया तलुजो मस्कुट टीम। देखें ये भी बड़ी अच्छी टीम है भाई, एक सजी हुई टीम है भाई, लेकिन दिक्कत यहां पर बना रहे हैं। इस बार देखिए स्ट्रेट ड्राइव नहीं कवर ड्राइव खेले भाई, बल्ला थोड़ा सा घुमा दिया पर आउटफील्ड देखिए यहाँ की इतनी तेज गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक देखिए दोनों बैटर्स बड़ी आसानी के साथ कितनी रन यहाँ मुझे लग रहा है तीसरा रन कंप्लीट किया। अच्छी सोच है, इस तरह के रनिंग बिटवीन आपको चलाना होगा। कहते ना पानी से तस्वीर बन नहीं सकती और सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती, तकदीर जोड़ना है तो फिर ख्वाब नहीं। इसके साथ साथ चलिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है और एक ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ हम चलेंगे हनुमान पटेल सर देखिए आज जुड़े हैं, इस गांव के एक अच्छी आवाज है, लेकिन आज हमारे पास दो मेहमान कमेंटेटर्स हनुमान सर है। निश्चित रूप से सेकंड इनिंग में योगेश सर की तरफ जाएंगे और एक सुहाग सर देखिए जुड़े रहेंगे और हनुमान सर आपके साथ जुड़े रहेंगे अगला एक ओवर के बाद। बिल्कुल देखिए बात करेंगे हमारे सालों के साथ देखिए और उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे विजय दादा मात्रे देखिए और गांव देवी मित्र मंडल से देवी चापड़ा और योगेश सर कहते हैं ना का प्यास ऐसे जगाओ के कभी ना बुझे और दिल ऐसे लगाओ के कभी ना टूटे और काम ऐसा करो के सर कभी ना झुके। आज आमदार ट्रॉफी देखिए समाज की तरफ से लेकर आज टेनिस क्रिकेट में देखिए बहुत बढ़िया बेहतर से पहचान और मेहनत देखिए भरपूर यहाँ पर लेते हुए हर कोई नईम से देखिए बात करेंगे विक्रांत के देखिए बात करेंगे बालू के देखिए एक बिग फैन से उन्होंने यहाँ पर शुभकामना भेजी टूर्नामेंट करो, उन्होंने जिक्र किया कि बड़ा मजा आ रहा आज कमेंट्री बॉक्स पर है आज क्योंकि योगेश पंडवी सर देखिए योगेश वाघ सर देखिए आज है और उनके साथ मैं हूँ बाबू सर हनुमान पाटिल जी देखिए जुड़ेंगे आगे की देखिए छह गेंद के बाद है और इस टूर्नामेंट में देखिए फिर से हम कल तो नहीं जुड़ेंगे लेकिन फिर से 9 तारीख जुड़ेंगे निश्चित रूप से। काफी सारे हमारे कॉमेंटेटर्स है इस टूर्नामेंट में जुड़ते हुए क्योंकि हनुमान सर बात करेंगे कॉमेंटेटर पैनल बहुत बड़ी हो चुकी है और ये चलिए भाई यहाँ पर ऊंचा लंबा चंचला अरे चंचला अरे चंडू आता कुड़े गेला सरकार चंडू आता साउथ अफ्रीका गेला सातवा देखिए बाबा ले टीम अगर सही ढंग से बल्लेबाजी करते हैं ना फिर एक अच्छा खासा रन जोड़ सकते हैं यहाँ से, इसलिए तो कहा जाता है भाई फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, क्रिकेट में एक अच्छी टोटल तक पहुंचने कहीं हिट कहीं सिक्स मारना पड़ता है। देखिए मेसी का सपना कब पूरा हुआ 17 साल 114 दिन के बाद इस साल फीफा वर्ल्ड कप में देखिए जो टक्कर हुआ यहाँ पर एम्बापे और मैसी के बीच में, जब पर मैसी ने देखिए 7 गोल डाके तो एम्बापे ने 8 गोल डाके थे, भला ही उन्हें हार दिखना पड़ा लेकिन हार कर भी बाजी कर कला ये चले भाई दूसरा गेंद के पर हवाई फायर और एक छक्का आता हुआ यानी अल्लाह बचाए मुझे हैतरे वार से हैतरे वार से हैतरे वार से हैतरे वार पंकज पाउसे के बल्ले से 2 छक्का आता हुआ, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर से आई गौदी मुकुंद बामाले टीम का देखिए बात करेंगे ना यहाँ से लगातार हैट्रिक विकेट से मयूर राजे ने हासिल किए थे और उसके बाद देखिए सेकेंड ओवर में योगेश सर ने बता दिया कहा लगता है लौट कर वापस नहीं आएंगे, गलत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही तो क्रिकेट की मैदानी जंग होती है। कहते हैं ना सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो दिल में आंधी होना चाहिए और टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए 17 देखते हैं 17 का खतरा कौन भूल सकता है। 17 नवंबर पहला कोविड का मरीज
चीन में मिला था। और क्या यहाँ पर चौथा विकेट इन्हें मिलेगा फील्डर टीम को, तलचे मस्कुट टीम को? तर याच दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय कृष्णा चंद्र फडके साहेबांचं आगमन झालंय। विनंती करतो त्यांना आपण व्यासपीठापती यावं। सुमंगल वधूवर सूचक सन्माननीय कृष्णा चंद्र फडके यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। वेलकम साहेब, या आपण व्यासपीठापती, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तो चलिए बात करेंगे, शरद दादा भोपी देखिए रेड कर, आइए तस्वीर रखिए। और ये देखिए, यही तो बात कर रहा था भाई, 17 का खतरा, जो 17 का खतरा पूरी दुनिया में आया था। पहला कोविड का मरीज देखिए 17 नवंबर 2019 में चीन में मिला था, और उसके बाद पूरी दुनिया में यहाँ पर तहलका मचा था। और 17 के ऊपर देखिए ये साझेदारी टूटता हुआ, क्योंकि ये साझेदारी बहुत खतरा हो रहा था। लेकिन अभी तक देखिए बात करेंगे ना, शाम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, दिल्ली कहता है कि मैच अभी बाकी है, जब तक मैदान के अंदर पंकज पाउसे बाकी है। सचने यहाँ पर तर सन्माननीय कृष्णा फडके साहेबांच्या ठिकाणी आगमन झालं। वेलकम साहेब, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। सुमंगल वधूवर सूचक आहेत, निश्चित वधू वरांचे लग्न जमवले जातील आणि तसेच बिजवरांचे लग्न जमवले जातील, अशा अनेक प्रकारचे त्यांच्या माध्यमातून जमवाजमीचे काम आहेत। खऱ्या तर त्यांची फीस देखील 1000 रुपये आहे। तर कृष्णचंद्र फडके साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत। क्या बात है योगेश सर, इसलिए तो कहा जाता है हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है, कोई अपनी कला से, कोई अपनी अदा से। कृष्णा दादा निश्चित रूप से बहुत बहुत है। हर कुंद्रे आला देवी चे पाड़ा वाला, हर कुंद्रे आला देवी चे पाड़ा वाला, तो कशात कम नहीं रे, तो कशात कम नहीं रे, हम चा अशोक सलून के दादा चाया नावत दम है रे, हम चा विजय मात्रे दादा चाया नावत दम है रे। क्या बात है, इंटरनेशनल वाले को हमेशा लगता है हमारे पास अंबानी है, बंबानी है, तो आईपीएल है। भाई हमारे पास सालों के साहब जैसे हस्ती हैं, विजय दादा, संजय दादा देखिए मात्र यहाँ पर से, पूरी ग्रामस्थ मंडल, प्रकाश दादा बहुत बहुत स्वागत है, और कृष्णा दादा फड़के साहब देखिए हर टूटा हुआ दिल को जोड़ते हैं। तो चलेंगे मैच की तरफ, यहाँ पर अंतिम देखिए 12 गेंद बचाए हैं, लेकिन इससे रनों की भी बहुत जरूरत है, एक अच्छी साझेदारी बन रहे हैं। तो ये साझेदारी देखिए 17 के ऊपर खतरा बना, लेकिन उसके बाद चौका आया, 21 रन टीम का स्कोर है। और लगातार देखिए अंतरराष्ट्रीय में बात करेंगे ना, 21 के आंकड़ा आती है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम को भी गुमान आ गया था लगातार इंटरनेशनल में 21 जीत हासिल की थी, और उसकी घमंड भी टूट गया था जब 22 मुकाबला हारा था। और वही बात करेंगे ना, बांग्लादेश टीम ने अंतरराष्ट्रीय में लगातार 23 मुकाबला हारा था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ा था। तो देखते हैं यहाँ पर उम्मीद दोनों टीम ने यहाँ पर लगाए रखे हैं। तलुजे मस्कुट टीम देखिए, हम द ट्रॉफी, एक बड़ा ट्रॉफी तलुजे के मैदान के ऊपर देखिए, दीपक दादा, संतोष दादा, और ये देखिए भाई क्या कमाल की बल्लेबाजी करता है यहाँ पर से बल्लेबाज पंकज पाउसे की तारीफ करना चाहेंगे। लाजवाब, जैसे कहते हैं यहाँ पर से, नाचक नाचक हल्की हल्की, भाई दोनों बैटर की यहाँ पर बल्ला झलकी है। और देख के देखिए बात करेंगे, बाबा वाली टीम का दर्शक बोला हुल्लाला हुल्लाला, ठोक दीजिए डीजे। आपने सही बताया, अंगने में बाबा, द्वारे पे माँ, कैसा हूँ गोरी में तोहरे घर माँ, जब दोनों तरफ से वार होती है तो गेंदबाज कहां से बचे भाई। और ये चलिए, और एक बड़ा हिट, फील्डर हैं गेंद के नीचे, जब तक गेंद को रोक लेते तब तक देखिए एक रन, और टीम का स्कोर देखिए सिंगल के साथ जाकर पहुंच गया 28 रन। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज की बात करेंगे, और उसके साथ साथ पंकज पाउसे, योगेश सर इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी, और ये दोनों बल्लेबाज से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, लय भारी। और ये चीज होना चाहिए, इसलिए तो कहता हूं जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। लेकिन हमारे आजकल के नौजवान कहां सुनते हैं भाई, जब तक मोबाइल थोपड़े में ना गिरे तब तक चैटिंग चलता रहता है। और ये चलिए, बड़ा अच्छा गेंद था, छोटा गेंद था, लेकिन जिसका फायदा नहीं ले सके, व्हाइट का इजाफा देखिए, बिन पायल से बची घुंघरू, पायल की झंकार दिल चुराएगी भाई मैच ने, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है और खुद के कंधों में जिम्मेदारी। एक्स्ट्रा रनों से टोटल देखिए आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए कहते ना, बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले।
तीसरा ओवर चलता हुआ रोहिदास पाटिल देखे गेंदबाजी करते हुए तारीफ करना चाहेंगे। बप्पा मोरिया देखे तलोजे मस्कुट टीम है बहुत बढ़िया। देखे शुरुआत एक धाकड़ हुई थी, 4-3 सफलता हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद देखिए रनों में थोड़ी सी आतिशबाजी होता हुआ। और ये चलिए और एक रन जोड़ लेंगे यहाँ पर से और एक सिंगल के साथ। ये देखिए नजरें हटी और दुर्घटना घटी। योगेश सर इसे कहते हैं खाया गुटका फोड़ा मटका और लगा 420 का झटका। ठोक दीजिए को जो बताते थे, लेकिन हमारे अंदाज में भाई खाया गुटका फोड़ा मटका और लगा 420 का झटका। और ये चले उसके बाद क्या बल्ला लिया यहां पर, नहीं बाल बाल बचे, अच्छी फील्डिंग यहां पर, तारीफ करना चाहेंगे। और सुनील पाटिल सर देखिए क्या कमाल की अंपायरिंग देखिए, इसलिए जो कहा जाता है एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर। एक अनुभव देखिए लाजवाब उनके बंधु देखिए बात करेंगे। संदीप पाटिल सर रायगढ़ समाज एसोसिएशन के अध्यक्ष जुड़ेंगे 9 तारीख इस टूर्नामेंट में। और आज हमारे साथ उपाध्यक्ष पनवेल समालोचना एसोसिएशन के देखिए बात करेंगे योगेश मडवी सर जुड़े गेंदबाज तैयार। अरे चलिए ओ क्या कमाल के गेंदबाजी भाई, बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और इस गेंदबाज ने बता दिया भाई चौके खाने के बाद, कहते हैं ना कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता और एकाध चौके छक्के खाने से कोई गुरु आशीष नेहरा नहीं होता। ये बुमराह का जमाना, ये कुरान का जमाना है, इसलिए तो शाम कुरान को 1850 करोड़ में खरीदा गया था क्योंकि बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, हमेशा एंगल बदल कर गेंदबाजी करते हैं। छक्के खाई चौके खाई और उसके बाद देखिए वापसी टीम का स्कोर 33-33 रन। लेकिन अभी देखिए यहाँ से चौके छक्के तो दागे हैं लेकिन पंकज पाव से थोड़ी सी खामोश है भाई, लेकिन कहते हैं ना शेर की खामोशी और पंकज पावसे की बल्लेबाजी में कभी शक मत करना, शेर जब भी दो कदम पीछे जाता है ना उसके बाद शिकार के लिए। और ये चलिए भाई पंकज पावसे के तो बांध दिया है भाई, इसलिए तो कहते हैं ना भाई बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, किसी ने पहना है नहीं ना भाई, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता और एकाध चौका छक्का खेलने से कोई हिटमैन या शुभम गिल नहीं होता। गिल बनने के लिए गिल इनिंग्स खेलना होगा। डीजे वाले बेताब हैं भाई, इन्हें आईपीएल में लेके जाइए। दादापुर गरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली, रामशेठ साहेबांचं समर्थक भारी त्यांना ओळखते दुनिया सारी, त्यांना ओळखते दुनिया सारी। दादापुर गरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली, रामशेठ साहेबांचं समर्थक भारी त्यांना ओळखते दुनिया सारी। अरे कोई नुरी हिरा शायद, चलिए अंपायर क्या पानी की जरूरत है, नहीं शायद खिलाड़ी ने यहां पर मना किया, सही बात है। कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग होती है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु ये समय तेरी लड़ाई का, क्योंकि पानी से ज्यादा ये लड़ाई ये संघर्ष बहुत बड़ा है। और डीजे मास्टर बेताब है क्योंकि भाई इन्हें क्रिकेट में इतना मौका मिलता नहीं है, शादी हल्दी में इतना बजाते हैं यहाँ पर मौका ही नहीं मिल रहा है, और शादी हल्दी में इतनी परेशान हो जाते हैं ना कभी कभी बजा बजा कर इनका रात का 12-13 बजा देते हैं, फिर तभी जाके दूल्हा से कहते हैं भाई डीजे कब बंद करना है, और दूल्हा कहता है मेरा दोस्त को चढ़ जाने दीजिए वो जनरेटर की आवाज से नाचेंगे तुम सो जाना। लेकिन क्रिकेट में इन्हें इतना मौका नहीं मिलता है, हम कोई बात नहीं। लेकिन चलिए अंतिम 6 गेंद बचा है और ये 6 गेंद के पर इसे कहते हैं जय और बिरू की जुड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी, 33 रन बनाए हैं। लेकिन उसके बाद देखिए जो रोहिदास पाटिल ने गेंदबाजी की, रोहिदास पाटिल बैटर के लिए बन गए बहुत बड़े कातिल। पहला 3 गेंद में देखिए 12 रन खर्च किए, उसके बाद देखिए 3 गेंद में कोई रन नहीं, उसके बाद देखिए खोद कर गेंद को निकाला गया यहाँ पर से, जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए 1 रन और देखते देखते पर दूसरे के लिए, और ये क्या हो गया, क्या गेंद छू लिया विकेट को, हाँ बिल्कुल विकेट को छोया और विकेट भी गिरा, नाखुश है बैटर भाई रन आउट के ऊपर में। और यहाँ से तो ये तो बैटर यही कहेंगे भाई अपने साथी बल्लेबाज को, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और यार नहीं लूट लिया घर यार का। अरे कशाला कशाला वेड़ेपणा तू केलास रे, वेड़ेपणा तू केलास रे, आवता धावता फुकट तू रन आउट झालास रे, आवता धावता कसला कसला बेड़े स्पंज तो केलस रे, धावता धावता फोकट जा। लाइन ग्रुप के देखिए आदित्य सालू का स्वागत है। तर सन्माननीय बालरामजी पाटील साहेबांचं आगमन झाले तोंडरेचे, त्यांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठापती यावं, सन्माननीय बालरामजी पाटील साहेब आपण व्यासपीठापती यावं आणि नेक्स्ट लढत असेल सेकंड राऊंडची पहिली लढत असेल पियुष फोर्ट तोंडरे बनाम रेडगर, दोन्ही कॅप्टन आपण लगेच जॉईन व्हा।
बढ़िया देखिए, बढ़िया मुकाबला होगा अगला, बिग फाइट्स मुकाबला। और उसके बाद देखिए यहाँ से और एक रन आता हुआ, रन की बात करेंगे योगेश सर, पिछले चार गेंद से पांचवा गेंद हो चुका है, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। और यहाँ से बामाले टीम के दर्शक तो यही सोचते होंगे भाई इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने की बात है, हमारे बैटर बाउंड्री कब लगाएंगे, क्या मुकाबला हारने की बात, क्योंकि दिल दिया था जिसको वो दिल्ली चले गई भाई, और दिल्ली पहुंचा तो उसे मिलने के लिए वो भी इटली चले गई, सोचा जान दे दूं बिजली की पकड़ के तार को, लेकिन उस तार को पकड़ा तो बिजली भी चली गई। बामाली टीम के दर्शक थोड़ी सी नाखुश रहेंगे भाई, क्योंकि दिल तो टीम को दे दिया था भाई जिस तरह से रन आ रहा था, लेकिन दिल देने के बाद देखे बस दिल टूटता हुआ। लेकिन कहते हैं ना टूटा हुआ दिल आप वापस जोड़ सकते हो, लेकिन हारा हुआ मैच आप वापस नहीं खेल सकते हो, इसलिए रन आना बहुत जरूरी है। अंतिम देखिए गेंद बचा है यहां से, आखिरी गेंद बचा है तीन, क्या उड़ा देगी यहां से नींद, क्योंकि ये तीन गेंद के बाद रन नहीं आती है तो फिर आई क्या देवी मुकुंद इलेवन बामाले टीम का उड़ा देगा नींद, लेकिन बाप्पा मोरिया तलोजे मस्कुर टीम है, एक अच्छी कॉम्बैक देखिए, पहला ओवर में तीन सफलता उसके बाद महंगे साबित हुए। और ये देखिए भाई इस बार गेंद तो ऊंचाई भी ली है और लंबाई भी, वन बाउंस लेकर गया और बता दिया पर हटासा वन की घटा और एक चार रन। चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया 40 रन। इसी तरह से नजर अगर अच्छी हो तो गेंद के पर चौका छक्का आ सकता है, अगर गेंद पे नजर नहीं हो तो फिर देखिए फील्डर की नजर हटी और चौका गई। तो सन्माननीय डीएम पाटील साहेबांचं आगमन झालंय, टोंडरेगावच्या आमचे बीएम पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालंय, वेलकम साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत, आमदार चषकाच्या वतीनं या बापट व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। बहुत बढ़िया चौका देखिए यहां से, चलिए अगला मुकाबला दोनों कप्तान उसको तैयार रहना होगा, दोनों टीम के कप्तान से इसके साथ साथ टॉस किया जाएगा। और ये चलिए और एक हिट, बामाली टीम देखिए यहाँ पर संघर्ष नहीं छोड़े, यहाँ पर से फिर से एक बार देखिए नजरे हटी और दुर्घटना घटी, एक बार फिर से हो गई गलती भाई, कहते हैं ना शेर के पूछ में अगर पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं मिलेगा सीधा छप्पी मिलेगा, क्योंकि ये जो गलती आप कर रहे हो ना आपको बड़ा छप्पी देना होगा। राजा रानी तो दुड़ीला पादमती मारीला, राजा रानी तो दुड़ीला पादमती मारीला। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर आखिरी अंतिम गेंद है भाई, चाहेंगे यहाँ से कक्कर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़। और ये चलिए भाई देखते गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से, और एक वाइड का इजाफा देखिए, इसलिए तो कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है, टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 45-45 रन के फाइटिंग टोटल से, योगेश सर 40 के ऊपर पहुंच जाए तो चार बार के मुकाबला में, और कहीं ना कहीं रातों के कातिल से ये टोटल को कहा जाता है हमेशा, चार ओवर में जब 45-50 तक आप पहुंच गए तो फिर सामने वाली टीम को कातिल बनाने में ज्यादा समय नहीं। और ये देखिए उड़ाया भाई, क्या कमाल का फिनिश देखिए, और ये फिनिश बता रहा है भाई मेहंदी लगा के रखना भाई, ट्रॉफी सजा के रखना, और ट्रॉफी उठाने आ रहे हैं बामाली टीम के सजना, आता हुआ 6 रन, और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया बर 51-51 रन से, वाड़ा फिनिश। पीयूष फोर्ट टोंडे आणि रेडगड संघाचे कॅप्टन आपण लगेच सेकंड मॅचचा टॉप स्टडी जॉईंट व्हायचं आहे। तो चलिए योगेश सर कमेंट्री बॉक्स पर जुड़ जाइए, दोनों कप्तान जुड़ जाएंगे, 51 रनों की टारगेट से 51 बनाए, सॉरी माफी चाहेंगे 52 रनों की टारगेट से, तो देखते हैं ये टारगेट को क्या बचा पाएंगे या बना पाएंगे। कहते ना आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है, भले ही आपने टारगेट ने बहुत बढ़ा दिए बना लिए लेकिन क्या यहाँ पर बचा पाओगे। योगेश सर कहते हैं ना भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है, भले ही आपने 51 रन लुटाए हैं लेकिन हो सकता है बल्लेबाजी में पलटवार भी कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सब सुनने के लिए चलेंगे क्या दमदार बुलंद आवाज योगेश सर, और निश्चित रूप से योगेश सर आज आपके साथ है। हाँ तो चलिए टॉस के लिए भाई, तो चलिए रेडगढ़ टीम के कप्तान यहाँ पर उपस्थित हैं, चला टुंडर संघा से करना था या लोकर लोकर, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से रेडगढ़ टीम के कप्तान से, टॉस का अगला मैच होना बहुत जरूरी है। योगेश सर जैसे कहते ना कागज की फूलों से घर को सजाया नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते, तो टॉस करते हैं तो फिर दोनों कप्तान को तैयार रहना होगा।
तर सन्माननीय बी एम पाटील साहेबांच्या शुभांचे केला लागला टॉस सेकंड राउंडची पहिली लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन संघांमध्ये एक एक मॅच जिंकल्यानंतर आता सेकंड राउंडची लढत बिग फाईट असेल दोन संघामध्ये. तर कॅप्टन रेडगर संघाच्या उपस्थित झाले आहेत पियुष फुट टोंडरे संघ आपण यायचंय लगेचच. तर टोंडरे संघाचे कॅप्टन देखील आमच्या समोर जॉईन झाले आहेत. दोन्ही संघ शुभेच्छा असेल नेक्स्ट मॅच साठी. तुम्हाला दोन्ही संघ एक एक मॅच जिंकले आहेत आणि आता सेकंड राऊंड मध्ये एकमेका समोर येणार आहेत. रेडगर विरुद्ध टोंडरे अशी विग फाईट मॅच सन्माननीय बी एम पाटील साहेबांच्या शुभांचे केला जातोय टॉस टॉस बॉक्स मध्ये. आणि टॉस जिंकलाय पियुष फुट टोंडरे टीम. डिसिजन टॉस जिंकल्यानंतर कॅप्टन प्रमोद पाटील येस फिल्डिंग फर्स्ट प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. थँक यू सो मच बाबूशा. तर जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडारसिकांचं स्पर्धेच्या वतीनं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तुम्ही पाहतायत गावदेवी मित्रमंडल देवीचा पाडा आयोजित आमदार चषक 2023 ची तिसरी रात्र. आणि आज सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं करतो मनपूर्वक स्वागत. आणि युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग आम्हाला जोडले गेलेत त्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पहिल्या फेरीतील अंतिम मॅच तुम्ही एन्जॉय करतात दोन बलाढ्य टीम. तर लक्ष काढायचं 51 धाबेच लक्ष उभं 51 धाबा झाले आणि 52 धाबेच लक्ष बाप्पा मोरिया तोज मजकूर बनाम आई गावदेवी मुकुंद इलेव्हन बामाली अशी ती लढत तुम्ही पाहतायत. बामाली संघानं अप्रतिम खेळ केला आणि 51 धाबा 4 षटकामध्ये जोडल्यात. 52 धाबेचं टार्गेट असेल. दोन्ही टीमला शुभेच्छा. विशाल धाबेज बुद्ध टीम शोध गुड गेम शोध क्वालिटी क्रिकेट. प्रेक्षकांना आज तिसऱ्या रात्रीमध्ये स्टँडर्ड क्रिकेट पाहायला मिळतोय. तीन लढती तुम्ही पाहिल्या. चौथी लढत मैदानावरती एन्जॉय करतात सर्व प्रेक्षक वर्गाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तर 52 धाबेचं लक्ष मनाशी बागून सलामी जोडी मैदानावरती रवाना झाली आहे. दोन्ही संघाला मी शुभेच्छा देईल. विश ऑल द बेस्ट बुद्ध टीम शोध गुड गेम. सलामीवीर मयूर राजे आणि कुणाल पाटील हे दोन खेळाडू आलेत सलामीसाठी. तर बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होत पहिलं पॉवर प्ले षडक घेऊन पॉवर प्लेच्या ओव्हर मध्ये सचिन पावशे पहिलं षडक. स्ट्राइकरवरती मयूर राजे अनेक वर्ष क्रिकेटला दिली आहेत आणि तो मयूर राजे मैदानावरती स्ट्राइकरला तुम्ही पाहताय. तो जो मजकूर टीम कडनं तो जो मजकूर आमचे मित्र साई राजे जे आमचे बंधुतुल्य मित्र आहेत मॅचला एन्जॉय करतायत ते देखील युट्यूबच्या माध्यमातून. साई राजे आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. कारण काही प्रेक्षक वर्ग आज नाईट स्पर्धेमध्ये भरपूर संख्येने आलेत. काही प्रेक्षक ग्राउंडच्या जवळपास आहेत. काही प्रेक्षक वर्ग एन्जॉयमेंट करतात. त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. बॉलिंग मागवती सज्ज होतं पहिलं षडक घेऊन पॉवर प्लेचं पहिलं षडक सचिन पावशे. गेम स्टार्ट लेट्स प्ले. पहिला चेंडू उडवलाय शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावर न चेंडू. आणि जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत दोन धावेने अकाउंट ओपन केलं मयूर राजे आणि संघ बाप्पा मोरिया तो जो मजकूर टीम ज्यांच्या समोर 52 धावेचं टार्गेट उभं केलंय. तर 52 धावेचं टार्गेट आणि सुरुवात फार छान केली मयूर राजे. आक्रमक खेळाडू आहे. जेवढा वेगवान गोलंदाज आहे तेवढीच त्याची फलंदाजी देखील ताकदवर आहे. आणि तो खेळाडू सायकेन आलाय. वेगवान बॉल पडल्यानंतर अतिशय वेगानं चेंडू पडल्यानंतर डीप राहिला. बॅट अँड पॅटच्या मधून निघून जातोय. एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये डॉट बॉलची समाप्ती. डॉट बॉल ओव्हर नंबर पहिलं पॉवर प्ले. यावीचा फटका स्टँड अँड डिलिव्हर स्टँड अँड डिस्पॅच सरळ फेकून देतोय लॉंग ऑन सी मारेकेच्या बाहेर. बॅट्समॅन मयूर राजेच्या बॅट मधून पहिला ब्रँडेड षटकार.
संख्या 8 लक्ष्य बापन ने दाबे च कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हरा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मैच जिंकण्यासाठी तुम्हाला मेहनतीची पराकाष्ठा करावे लागेल, मैच जिंकण्यासाठी तुम्हाला अथक परिश्रम मैदानावरती करावे लागतील, कारण सध्या दोन्ही संघ ताकदवर तुल्य बल आहेत। पावर प्ले चे पहिले षटक मिस फिल्डिंग आणि चेंडू सीमा पार वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइनच्या बाहेर, मयूर राजेच्या बॅट मधून येतोय चौकार, नशिबाने साथ दिली तळजो मजकूर संघाला। कारण असं म्हटलं जातं ना की किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर वो होते हैं जो मैदान में लड़ते हैं। आणि बापण दाबीला उत्तर देताना नशिबाने देखील साथ दिली आहे। कारण आम्ही नेहमी सांगतो ना की तुमच्या 99% खेळासोबत तुमचं 1% नशीब देखील तुमच्या सोबत असलं पाहिजे, आणि जेव्हा 1% नशीब तुम्हाला साथ देतं तेव्हा 100% यश तुम्हाला हे मिळत असतं। आणि आताचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, मिस फिल्डिंग, पुन्हा एकदा विकेट किपर कडनं चूक झाली, चेंडू फाईन लेगला ट्रॅव्हल झालाय, तोपर्यंत 2-22 चेंडू डॉट आला, त्यानंतर 22 रन झाल्या, म्हणजे कुठेतरी आता बामाली संघाला मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल, कारण याच्या अगोदर चेंडू मिसफील्ड झाला आणि चौकार आला, आता 2 आल्या, म्हणजे या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत स्कोर झाला 5 मध्ये 14. 52 टार्गेट प्रतिषटक 13.00 ही सरासरी गाठायची असताना आतापर्यंत रन झाले ते 14, म्हणजे सुरुवात छान केली आहे मयूर राजे ना मैदानावरती। मगाशी सांगितलं की मयूर राजे एक आक्रमक खेळाडू आहे आणि मयूर राजे कडे क्षमता देखील भरपूर आहे। आत्ताचा चेंडू देखील चांगला होता, परंतु इथे बॉडीवरती आदळल्यानंतर डॉट बॉलला, शेवटचा अंतिम बॉल आला डॉट आणि टीमची टोटलला। पहिला ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना बाप्पा मोरिया तो जो मजकूर, टीमची टोटल बिनबाद 14, तर गरज आता 38 येणारे 18 बॉल आणि 38। दादाची लयच भारी, माना मनात ती घुसणारी, नाईट क्रिकेटचं नियोजन भारी, देवीच्या भाड्याच्या मैदानावर, देवीच्या भाड्याच्या मैदानावर। आता दादाची लयच भारी, माना मनात ती घुसणारी, नाईट क्रिकेटचं नियोजन भारी, देवीच्या भाड्याच्या मैदानावर। आहे जिगरवाला तो हिम्मतवाला, आहे जिगरवाला तो हिम्मतवाला, आहे दोस्तीचा सरदार, आहे दोस्तीचा सरदार, आमच्या अशोक सलुंके दादाच्या या नावात दमायर, आमच्या विजय माते। बाबण दाबेला उत्तर देताना छान उत्तर मिळालं। पहिलं ओव्हर मध्ये आपण पाहिलं तर दाबा आले त्या 14 टीम बॅटिंग करत असताना बाप्पा मोरिया तो जो मजकूर संघ, आता गरज आहे 18 आणि 38। तर निश्चित आपण पाहतो नेक्स्ट लढत पाहायला मिळेल पिऊसपूर टोंडरे विरुद्ध रेडगड अशी लढत, परंतु आमचे मित्र महितदादा पाटील यांचे खंदे समर्थक सतीश दादा पाटील टोंडरे आणि अनुज दादा पाटील टोंडरे यांचं आगमन झालंय। वेलकम यावा आपण व्यासपीठावरती, आपलंही मनपूर्वक स्वागत। रन संख्या 14, पहिला ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आणि आता गरज आहे 18 बॉल जिंकण्यासाठी 38। राहत संघर्ष की जो चलता आहे, सूर्य बनकर भई आगे निकलता आहे, आणि आज या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी दोन्ही संघाला मेहनतीची पराकाष्ठा करावी लागेल। आत्ताचा चेंडू वेगवान होता, पडल्यानंतर मात्र फलंदाजाला बीट करतोय आणि पहिला चेंडू डॉट फेकलाय। ओव्हर नंबर सेकंड फेकत असताना पंकज पावशे, तर 9 स्कोर बोर्ड होती लागली। आमचे स्कोर सांगतायत 14-17 मध्ये आता गरज 38 17 चेंडू 38 सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी मॅच मैदानावरती। यावेळीचा चेंडू मिस टायमिंग जरूर होता, फ्लाय स्लिपला पुन्हा एकदा मिस फिल्डिंग आणि चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, पुन्हा एकदा सीमापार चौकार, अतिशय खराब फिल्डिंग बामाली टीम कडून। क्या बात है सोनू, आज के जमाने में डीजे वाले भरोसा कहां पर है? क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले पेन बांध रखते हैं,
आप जब जेरोक्स की दुकान में जाते हैं तो जेरोक्स वाले स्टेपलर को बांध रखते हैं, पानपई पर जाते हो तो पानपई वाले ग्लास को बांध रखते हैं, पान टपरी पे जाते हो तो पान टपरी वाले लाइटर को बांध रखते हैं, बड़े लोगों के घर जाओगे तो बड़े लोग दरवाजे में कुत्ता बांधते हैं, लड़कियां मुंह बांधती है और बीवी अपने पति को, क्योंकि भरोसा कहा, आज के जमाने में भरोसा है ही नहीं। और आज डीजे वाले भरोसे की बात कर रहे हैं, रन संख्या की बात करेंगे, चार के साथ फुल स्कोर की बात करेंगे, 18 रन जीतने के लिए अभी भी 34 की जरूरत है, 18 रन बन चुके, 34 रनों की आवश्यकता, सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर। ओ इस बार लॉब किया, व्हाट अ शॉट, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, ये शानदार छक्का बल्लेबाज कुणाल पाटिल के बल्ले से। तो चक्के के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो पुल स्कोर है 24 रन, जीतने के लिए अब 28 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता, कमाल का मुकाबला, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती, और आज मुकाबला जीतने के लिए दोनों टीम का संघर्ष जारी मैदान के ऊपर। अच्छे गेंदती फिर एक बार कारपेट ड्राइव, उसी क्षेत्र में रन बनेगा एक, और एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, पुल स्कोर की बात करेंगे 35 रन बन चुके हैं जीतने के लिए, अब 27 रनों की सॉरी 25 रन बन चुके हैं और जीतने के लिए अभी भी यहां से 27 की जरूरत है, 52 का टारगेट मैदान के ऊपर, 52 रन का टारगेट, और अभी तक बने बात करेंगे तो 25 रन बन चुके ओवर नंबर सेकेंड, 5 गेंदे इस ओवर की बात करेंगे तो 11 रन खर्च कर चुके गेंदबाज पंकज पावशे, अंतिम गेंद डालेंगे सामने है बल्लेबाज जिन्होंने बड़े शॉट के साथ शुरुआत की थी, वह है बल्लेबाज मयूर राजे। अच्छी गेंद, तेज तर्रार पड़ने के बाद काफी तेज निकली, डीप रही और बल्लेबाज को बीट करती हुई डॉट बॉल की समाप्ति, इस ओवर से आए 11 रन संख्या की बात करेंगे, दो ओवर के बाद बन चुके 25 रन और जीतने के लिए अब 12 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता, मुकाबला अभी भी जिंदा है, कहीं मत जाना क्योंकि यह मुकाबला भी बेहतर होगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, एक तरफ है टीम बामाली तो दूसरी तरफ है टीम बापा मोरिया, तलो से मजकूर ओवर नंबर 3 की बात करेंगे तो तीसरा ओवर पहले गेंद व्हाइट के साथ शुरुआत करते हुए, और ब्लैक स्क्रीन के सामने कई सारे दर्शक हैं और कई सारे दर्शकों से विनती होगी कि आप स्क्रीन के सामने ना बैठे। तो जीत की बात करेंगे तो रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर है 26, 26 रनों और जीतने के लिए अभी भी 26 की जरूरत है, इस ओवर की गेंदे हो चुकी है केवल एक, यानी कि 11 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता मैदान के ऊपर, यह मुकाबला बेहतर होगा, कहीं मत जाना दोस्तों क्योंकि मुकाबला बेहतर होगा। ये गेंद हवा में जरूर है, इस बार फील्डर पहुंचे क्या गेंद को लपेट पाएंगे, और यहां पर कैच लव की पहला विकेट मैदान के बाहर, कुणाल पाटिल बैक टू द डगआउट। जाने मेरी जाने मन,
तो जीत के लिए बाबन रेडो का लक्ष्य और पहला विकेट कुणाल बैक टू द डगआउट। रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर है 26। जीतने के लिए अब 10 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। मुकाबला जीतने के लिए दोनों टीम को संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष तो कोई महान नहीं बनता। जब तक न पड़े चोट हथौड़े के, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। और इस मुकाबले को जीतने के लिए रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर है 26, अभी भी 26 की जरूरत है। 14 गेंदे 26 बने तो 10 गेंदे अब चाहिए 26 की आवश्यकता। फिर एक बार अच्छी गेंद, तेज तर्रार, अब यहां पर प्रेशर बनता हुआ, दबाव बनता हुआ, क्योंकि विकेट जाने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी सूरज भोई द्वारा। एक सूरज जो आसमान के होता है, आज ये मैदान के ऊपर बामाली टीम के सूरज भोईर। अच्छी गेंदबाजी, अब तक 3 गेंदे, एक अतिरिक्त रन के साथ उन्होंने रन दी। फिर एक बार लॉब किया, बढ़िया टाइमिंग, और इस बार गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यह शानदार छक्का, फिर एक बार पलटवार। बात करेंगे 32 रन, ये छक्के से मुकाबला फिर एक बार पलटवार होता है, क्योंकि जीतने के लिए बावन की टारगेट थी, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ये क्रिकेट का दस्तूर है। और क्रिकेट की भाषा दोस्तों, लगी तो ताली नहीं तो गाली। क्या ये मुकाबला मैदान के ऊपर टीम बापा मोरिया तौज मस्कुट टीम जीत पाएगी, या फिर यहां पर बामली टीम मुकाबला जीत पाएगी? जीतने के लिए 9 गेंदे, अभी भी 20 रनों की आवश्यकता। फिर एक बार पलटवार, एक तेरी तो एक मेरी, ये मुकाबला मैदान के ऊपर। गेंदबाज भी यहां पर कम नहीं है, एक छक्का जरूर आया था, मगर अगली गेंद डॉट, और अब 8 गेंदे बची है जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में 5 गेंदे हो चुकी है, 7 गेंदे 20, एका चौका एका छक्का ही मुकाबले को यहां पर बचा सकता है। और इस बार ऊपरी हिस्सा विकेटों के पीछे, गेंद निकली दन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये 4 रन, फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट, आप रन चाहिए आखिरी ओवर में 16 रन। प्रसिद्ध गौदेवी मैदान मधी नाइट स्पर्धा पहली न कधी, अष्ट पहलू या खेलाड़ी चौक्यानी छक्क्याची आतिशबाजी, हजारों प्रेक्षक आनंद घेतील प्रत्येक रातीचा, हे हजारों प्रेक्षक आनंद घेतील प्रत्येक रातीचा। हा विजय म्हात्रे आहे आयोजक आमदार ट्रॉफीचा, हा अशोक साळुंके आहे आयोजक आमदार ट्रॉफीचा, हा प्रशांत पवार आहे आयोजक आमदार ट्रॉफीचा। तो आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। मुकाबला बेहतर होगा, कहीं मत जाना दोस्तों, क्योंकि एक तरफ बामाली टीम की गेंदबाजें भी ताकतवर हैं, मगर उन्होंने गलतियां की मैदान के ऊपर, मगर आप वो गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं मुकाबला जीतना है तो यहां पर संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। आज 8 टीमें उतरी थी मैदान के ऊपर, पहला मुकाबला जीता टीम पीयूष स्पोर्ट टोंडरे टीम ने, दूसरा मुकाबला जीता मैदान के ऊपर रिटगर क्रिकेट टीम ने, तीसरे मुकाबले की बात करेंगे तो यहां पर तीसरा मुकाबला रहा था वेलकम उसाट ने टीम ने मुकाबला जीता, और ये चौथा मुकाबला। आज भी दो टीमें सुपर हिट पे जाएगी, और अब तो बात करेंगे अगले मुकाबले की, तो सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला रिटगर बनाम टोंडरे के बीच अगला बिग फाइट मुकाबला, कहीं मत जाना, क्योंकि मुकाबला भी बेहतर होगा एक एक मुकाबला जीतने के बाद, मगर इस मुकाबले की बात करेंगे। आखिरी 6 गेंदे 16 की आवश्यकता, 6 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला कौन जीत सकता है नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों टीमें ताकतवर है, दोनों टीमें तगड़ी जरूर है, और ये मुकाबला भी बेहतर होगा। आखिरी ओवर का भार सौंपा है कप्तान ने सुधीर गोंदली के कंधों के ऊपर, वह भी एक दड़दाकर गेंदबाज है, मगर सामने बात करेंगे अभी भी स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी की बात करेंगे उनके
मयूर राजे ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के ऊपर है, राहुल राजे 9 सेकंड के ऊपर है। क्या यह मुकाबला टीम बापा मोरिया तो मुझको जीत पाएगी या फिर बामालीम, आइए देखते हैं। आखिरी से गेंद है, जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। पहली गेंद अच्छी थी और LBW के अपील और यहां पर बल्लेबाज के पारी का खात्मा, मयूर राजे बैक टू द डगआउट। से किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और बहादुर मैदान के अंदर संगम राजे जिनके बल्ले से पहला चौका जरूर आया मगर अब चार में चाहिए 12। चार गेंदे 3 चौकों की जरूरत है, 4 गेंदे 2 चौकों की जरूरत है। संगम राजे में वो ताकत है, संगम राजे में उतनी क्षमता जरूर है मगर दूसरी तरफ बामाली टीम क्या कर रही है, काफी खराब फील्डिंग। और ये देखिए संगम राजे लकी गेंद को ऑफसाइड में गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, संगम राजे के बल्ले से शानदार छक्का। यस यूट्यूब के माध्यम से हमारे विश्वनाथ दादा मस्कर साहब मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, राम भोईर और रवि भोईर साहब भी उनके साथ में ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका सभी का हम स्वागत सबका स्वागत जरूर करेंगे। कहते ना विश्वनाथ दादा मस्कर जो हमेशा क्रिकेट के लिए योगदान बढ़ा देते हैं, 40+ के खिलाड़ी भी हैं और हमेशा अपने टीम के साथ रहते हैं, आज बामाली टीम को शुभकामना भेज रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। गेंदबाजी की बात करेंगे, डॉट गेंद, ये देखिए एक तेरी तो एक मेरी, आप 2 गेंदे बची है और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदे 6 रन, कमाल का मुकाबला, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। 2 गेंदे 6 रन, अच्छी गेंद विकेट के पीछे, किस्मत का चौका फिर एक बार मिला टीम बापा मोरिया तलोजे मजकूर को। एक में काचे जोड़ीदार मना ने लय दिलदार, एक समूह अच्छे मेंबर नीचे ये माते संगे काजे बेशंद दापवार, एक समूह अच्छे मेंबर वाड़ा ग्रुप है एक नंबर, युवाड़ा ग्रुप है एक नंबर, माला ग्रुप है एक नंबर, युवाड़ा ग्रुप है एक नंबर। थैंक यू डीजे, क्या कहूंगे इस मुकाबले के बारे में, कभी किस्मत ने साथ दिया तो यहाँ पर कभी मिसफील्डिंग देखने मिली, और यदि ये मुकाबला गवाती है ना बामाली टीम तो आपके एक ही वजह होगी, आपकी मिसफील्डिंग, आपने 5 गलतियां की और वही आपका कारण बनेगी।
हार का कारण आपकी मिसफील्डिंग। अभी भी वक्त है, मुकाबला तो हारे नहीं, मगर जीतने के लिए आखिरी गेंद में दो रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला रहा आज के रात का, ये सबसे बेहतरीन मुकाबला, आखिरी गेंद तक चलने वाला मुकाबला, और दर्शक भी चाहते हैं कि ये मुकाबला आखिरी गेंद तक चले, और यही मुकाबला मैदान के ऊपर बापा मोरिया तलो से मजकूर बनाम आई गांव देवी मुकुंद बनना बामली के बीच मुकाबला है। आखिरी गेंद में आ चुका है मुकाबले का फैसला, फैसला होगा दोस्तों हार या जीत का। कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन होगा इतनी बड़ी टूर्नामेंट से बाहर, आइए देखते हैं। आखिरी गेंद जीतने के लिए दो रन की आवश्यकता, क्या संगम राजे के ऊपर भरोसा है या फिर गेंदबाज सुधीर गोंदली के ऊपर भरोसा है, आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे आखिरी गेंद का। एक गेंद दो रन की आवश्यकता, गेंद देखना होगा, बीट तो जरूर हुए और ये मुकाबला जीत लिया आई गांव देवी मुकुंद इलेवन बामाली। वेल प्लेड, कहते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, पांच गलतियां की थी मगर मुकाबला कौन जीते, आई गांव देवी मुकुंद इलेवन बामाली। वाह भाई वाह, आखिरी गेंद कमाल की फेंकी गेंदबाज सुधीर गोंदली ने और ये मुकाबला जीत लिया।